कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के इनकमिंग कॉल स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के इनकमिंग कॉल स्क्रीन को कैसे बदल सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक ही इनकमिंग कॉल स्क्रीन को हम देखते देखते बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप अपने फोन के इनकमिंग कॉल स्क्रीन को बदल सकते हो। इसकी जगह पे आप iOS का इनकमिंग कॉल स्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आपके फोन में iOS का इनकमिंग कॉल स्क्रीन देखने को मिलेगा। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई एंड्रॉइड फोन में iOS का इनकमिंग कॉल स्क्रीन कैसे दिख रहा है। ठीक है, इसका एक और एडवांटेज है, फायदा है कि दोस्तों इसके साथ में आपको और भी काफी सारे इनकमिंग कॉल स्क्रीन मिलेंगे, जैसे एसुस हो गया, गूगल हो गया, पिक्सल हो गया। दोस्तों आपको इन फोनों के भी इनकमिंग कॉल स्क्रीन मिल जाएंगे जिसको आप अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको पसंद आए दोस्तों आप उसको एक क्लिक में अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक कॉल करके दिखा देता हूं कि जब आप iOS के इनकमिंग कॉल स्क्रीन को अपने फोन में अप्लाई कर दोगे तो दोस्तों जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन है वो देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक कॉल करते हैं, तो हमने एक कॉल कर दिया है, कॉल आने वाला है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कॉल आ चुका है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगा तो जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन है कुछ इस तरह का दिखेगा। आप इस तरह स्लाइड करके अपनी कॉल को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो जो इसका इंटरफेस है देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। इस तरह का आप बहुत ही आसानी से अपने फोन में iOS के कॉल स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा। वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है ट्रू फोन। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 1 करोड़ से भी ज्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है, 4.2 की काफी अच्छी रेटिंग है, सिर्फ 7.9 MB का एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूं। ठीक है, वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि काफी सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, वो कमेंट करते हैं कि यार हमारे फोन में एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो सेटअप है आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको इन सभी परमिशन को अलाउ करना है, एक एक करके सभी परमिशन को अलाउ करना है। ठीक है, ये जो पहला परमिशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन को आपको डिफॉल्ट पर सेट करना है। ठीक है, आपको ट्रू फोन को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने पहले परमिशन को अलाउ कर दिया है, अब आपको सभी परमिशन को इस तरह अलाउ कर देना है। आपको यहां पर ट्रू फोन सर्च करना है, इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, अब आपको लास्ट वाले परमिशन को अलाउ करना है। तो दोस्तों हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको एक काम करना है, आपको होम स्क्रीन से इस वाले डायलर को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव कर देना है और इसको यहां पर सेट करना है। ओके, अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। आपको यहां पर मिलेगा सेटिंग, आपको सेटिंग में जाना है। दोस्तों अब आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग ऑनगोइंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहां से इनकमिंग कॉल स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फोटो स्टाइल, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे स्टाइल मिलेंगे, ठीक है, फोटो के स्टाइल मिलेंगे, जो भी आपको पसंद है आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो फोटो का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अगर आप बॉक्स करना चाहते हो तो आप यहां पर बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, यहां पर फोटो बॉक्स में हो चुका है। ठीक है, इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से फोटो स्टाइल को सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद है आपको उस पर क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एंसर स्टाइल का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है।
ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको यहां पर काफी सारे एंसर स्टाइल मिलेंगे, ठीक है। जैसे आईफोन हो गया, हुएई हो गया, एसुस हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, ठीक है, टू बटन हो गया, टू बटन्स, एसएमएस हो गया, जो भी आपको पसंद आए आप उसको अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने आईफोन का सेट कर रखा था, अगर आपको गूगल का करना है तो सिंपली आपको गूगल पर टिक करना है, आप देख सकते हो गूगल का अप्लाई हो चुका है। अब हम एक कॉल करते हैं, तो यहां पर हमने एक कॉल कर दिया है, आप देख सकते हो गूगल का जो बटन स्टाइल है, इनकमिंग कॉल स्क्रीन है, हमारे फोन में सेट हो चुका है। दोस्तों इस तरह आप सभी फोन के इनकमिंग कॉल स्क्रीन को अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो, आप इस तरह स्लाइड करके कॉल को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगले इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बारे में बताता हूं, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा एसुस, मिल जाएगा, टू बटन्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप टू बटन्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दो बटन मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो iOS वाला है काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, ठीक है। आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो, ओके। यहां पर अगर आप एसुस को सेलेक्ट करोगे तो आपको एसुस फोन का बटन स्टाइल मिलेगा। इस तरह गाइस आप सभी फोन के बटन स्टाइल को अपने फोन में अप्लाई करके यूज कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई आपने कैसे अपने फोन में इन सभी फोनों के बटन स्टाइल को अप्लाई किया है, ओके। जैसे हम आईफोन पर टिक करते हैं, अब हम एक कॉल करते हैं, तो यहां पर हमने कॉल कर दिया है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कॉल आ चुका है, आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है काफी परफेक्ट काम करता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये जो एप्लीकेशन है आपके फोन में अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपके फोन में रन नहीं कर रहा है तो उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।